नोएडा उत्तर भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसा एक आधुनिक शहर। ये शहर जिला गौतम बुद्ध नगर के अंदर आता है। राजधानी दिल्ली से सटा जिला होने के कारण इसके भविष्य को देखते हुए यहाँ एक नए आधुनिक शहर को विकसित किया गया है। ये शहर दिल्ली की सैटेलाइट सिटी के रूप में दिल्ली NCR के अंदर आता है। इस प्लांट सिटी का पूरा नाम न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी है। नोएडा अपने IT पार्क्स, शॉपिंग मॉल, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के ऑफिस और मनोरंजन के अनेकों साधनों की वजह से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में जहां UP 16 नंबर वाली गाड़ियां दिख जाएं, तो समझ जाइएगा कि आप भारत के सबसे भरे भरे नोएडा की धरती पर कदम रख चुके हैं। यह आधुनिक शहर समुद्र तल से करीब 200 मीटर की ऊंचाई पर करीब 203 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार नोएडा शहर में 6,37,000 की जनसंख्या के साथ भारत के सबसे अधिक जनसंख्या वाले शहर के लिस्ट में 71वें नंबर पर आता है। ये नगर बहुमंजिला इमारतों से भरा हुआ है। नोएडा में मौजूद इमारत सुपर्णा स्पाइरा उत्तर भारत की सबसे ऊंची रिहायशी बिल्डिंग है, जो लगभग 80 मंजिला इमारत है और 980 फुट ऊंची है। नोएडा उत्तर प्रदेश का सबसे बेहतरीन शहर है। ABP न्यूज का बेस्ट हाउसिंग सिटी का खिताब भी नोएडा को ही मिला है। नोएडा को मध्यम जनसंख्या की श्रेणी में सबसे साफ सुथरे शहर के नंबर 1 पर रखा गया है। वहीं शहर का 50% इलाका हरे भरे पेड़ों और पार्कों से भरा हुआ है, इसीलिए इसे भारत का सबसे ग्रीनेस्ट सिटी माना जाता है। 88% लिटरेसी रेट के साथ ये शहर उत्तर प्रदेश का सबसे पढ़ा लिखा शहर है। यूं तो इस शहर में सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन हिंदू धर्म के लोग यहां पर सबसे अधिक 90% जनसंख्या के साथ रहते हैं। नोएडा के देश के सबसे अधिक मीडिया संस्थानों के कार्यालय मौजूद हैं। ऊंची इमारतों के मामलों में भी नोएडा मुंबई के बाद दूसरे नंबर पर आता है। शहर की साफ सफाई, देखभाल और संस्थान को चलाने के लिए जितने पैसों की जरूरत होती है, उससे कई अधिक आमदनी इस शहर को टैक्स इकट्ठा करने से मिल जाती है। नोएडा अथॉरिटी ने करीब 3500 करोड़ रुपए अलग अलग बैंकों में फिक्स डिपॉजिट कराए हुए हैं। इस शहर की ज्यादातर कमाई बिल्डर से प्राप्त होने वाले टैक्स और प्रॉपर्टी ट्रांसफर टैक्स से होती है। अभी अथॉरिटी के पास इतना ज्यादा पैसा है जिससे इस पूरे नगर की व्यवस्था को अगले 5 साल तक बिना टैक्स के चलाया जा सकता है। दोस्तों, ये थी नोएडा के कुछ खास बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो हमारे चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।